आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। से पहले हमारे न्यूज को देखने के लिए सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। मुंबई के वर्सोवा में स्थित चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर स्कूल के तरफ से 38th एनुअल डे का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस एनुअल डे में नेता से लेकर अभिनेता ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के बच्चों का मनोगत बढ़ाया। इस कार्यक्रम का आयोजन अजय कौर सर के द्वारा किया गया। इसके साथ महाबलेश्वर में हुआ बस हादसे में रेस्क्यू करने वाले टीम की भी स्कूल के तरफ से प्रिंसिपल अजय कौर के हाथों से सत्कार किया गया। वहां धर्मेंद्र, शिल्पा शेट्टी एक्टर, संजय निरुपम कांग्रेस मुंबई प्रेसिडेंट और अनिल केलेगे भी मौजूद रहे और उनके साथ अजय कौर द्वारा सम्मानित किया गया। आइए बात करते हैं उनसे कि ये एनुअल फंक्शन में आकर उनको कैसा लगा। आम्ही महाबळेश्वर ॲडव्हेंचर ट्रेकर्स महाबळेश्वरून आलेलो आहोत। आज त्यांचा CWC कॉलेजमध्ये सत्कार आहे। आम्ही आघातून आधाराकडे या ब्रीज वाक्यानुसार गेले 15 वर्ष महाबळेश्वर, सातारा जिल्हा, रायगड जिल्हा, पुणे जिल्हा या 3 जिल्ह्यामध्ये आपत्कालीनसाठी काम करतो। आपत्कालीनमध्ये म्हणजे ते ॲक्सिडेंट झाला, पाण्यातून कोण वाहत गेलं, कोण बुडालं असेल तर असे मृत्यू इथे काढून देण्याचं काम करतो आणि ही सगळी सेवा आम्ही विनामूल्य करतो। याच्यामध्ये बरेचसे लोकांना सरकारतर्फे मदत मिळत नव्हती, त्यावेळेला आमची मदत होत असते ज्या ठिकाणी सरकारी मदत अजिबात मिळत नाही, सदा एनडीआरएफ असेल किंवा बाकी सगळं असेल त्या ठिकाणी काम करते आणि यशस्वी झालेले। त्याच्यामध्ये आम्हाला CWC अजय सर यांनी आम्हाला 2 वर्षापूर्वी एक बोट दिलेली, त्या बोटीमुळे आमचं बरंच काम सोयीचं झालेलं। त्याच्या बोटीमुळे आम्ही पाण्यात 40-50 फूट जे मृत्यू बुडालेले ते काढून करत असतो कायमस्वरूपी। आणि आत्तापर्यंत आम्ही जवळजवळ 150 बॉड्या लोकांना कवर करून दिलेल्या आहेत, प्रशासनाला मदत केलेली। आमच्या टीममध्ये जवळजवळ आत्ता 60 लोकांची टीम आहे। त्याच्यामध्ये आत्ता आम्ही रिसेंटली म्हणजे आंबेळी घाटामध्ये जो दापोली कृषी विद्यापीठाची बस गेली होती घाटामध्ये, त्याच्यामध्ये 30 लोकांचा मृत्यू झाला होता। तर त्या 30 लोकांच्या मृत्यूमध्ये आम्ही 24 तासामध्ये काढून सरकारला आम्ही मदत केलेली आहे। असे आम्ही हे काम कायमस्वरूपी 24 तास चालू असतं, कधी आम्ही अलर्ट 24 तास अलर्ट असतो। वेलफेअर सेंटर हायस्कूल इसके 38वें सालाना जलसा में मैं आया हूँ और यहाँ मुझे लाने वाले जो हैं वो अजय सर हैं, मेरे बहुत प्रिय मित्र, बहुत पुराने मित्र, और हर साल मैं कोशिश करता हूँ कि इनके फंक्शन में ज़रूर आया जाए। इसी बहाने इस इलाके में जो पेरेंट्स हैं उनका दर्शन हो जाता है, उनके बच्चों की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं अजय जी की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का भी मैं एक गवाह बनता हूं। तो अजय जी एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत ही कामयाबी के साथ एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। अभिनंदन जैसे जो नौजवान और वायुसेना के जवान, उन पर हम सबको गर्व है, फक्र है। पूरे देश के जो सशस्त्र सेना के हमारे जवान हैं उनके पराक्रम और उनकी ताकत पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। और आज तक और अब तक और आज हिंदुस्तान के सेना के जवानों ने एक नहीं कई बार पाकिस्तान को हराया है। ये हमारे सेना के जवान थे जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बदल दिया था। हमारे सेना के जवान थे जिन्होंने पाकिस्तान के 93,000 जवानों को सरेंडर करा दिया था। ये हिंदुस्तान के हमारे जवान थे जिन्होंने 1965 में पाकिस्तान को हराया। तो ऐसे जवान हमारे लिए गर्व और फख्र की बात है और उन्हीं में से एक अभिनंदन है। और जिस तरीके से पाकिस्तानियों के सामने उन्होंने अपने हिंदुस्तान की इज्जत रखी उसके लिए उनको सलाम। आप देख रहे हैं